विक्रम संवत 2078 का शुभारंभ हो गया है। सनातन संस्कृति का नया वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही नए कैलेंडर के अनुसार हिंदी रीति रिवाज शुरू होंगे। देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए संत हनुमान धाम में इकट्ठा हुए लोग। संतों का मुख्य उद्देश्य विक्रम संवत हिंदू नव वर्ष के बारे में युवा पीढ़ी को जानकारी देना था। संतों का कहना था कि युवा पीढ़ी अपने सनातन संस्कृति का नया वर्ष विक्रम संवत है, न कि जनवरी से होने वाला नव वर्ष। देवी संपत मंडल के साथ संत ज्योतिमानंद सरस्वती ने कहा कि जनवरी में ठंड के मौसम में होने वाला नया वर्ष कैलेंडर वर्ष तो हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति में जब पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और गेहूं की फसल कटती है और आने वाले कुछ दिनों में वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, तभी नए वर्ष प्रारंभ होता है। इसलिए सनातन संस्कृति का नया वर्ष विक्रम संवत धूमधाम से मनाना चाहिए। S7 की डेस्क रिपोर्ट। सुंदर हम आप विद्वान महापुरुषों की चर्चा छोड़ कर रहे थे। हमारे विद्वत वरिष्ठ श्री गोविंद जी जो देश प्रदेश में जिनकी राम कथाओं की बराबर गूंज रहती है, जिनके माध्यम से वो समाज को बराबर प्रेरित करते रहते हैं और हम आपको भी समय समय पर दर्शन देते हैं। वृक्ष में ये बड़ा ही उपादेय है, हमें समाज में प्रेरणा ही देनी चाहिए। और जैसा गोविंद जी ने अभी हमें प्रेरित किया कि हम आप सब इस उत्सव को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा सुंदर प्रयास होगा कि अपने अपने घरों में भगवा रंग का हम झंडा लगाएं। देखिए, हमारा प्रयास तभी सफल हो पाएगा जब हम इसे जन जन तक पहुंचा सकेंगे।